गोल्डन ग्लव थ्योरी का जो दूसरा सिद्धांत है, वो दूसरा सिद्धांत आपका है एटीट्यूड का। एटीट्यूड आपका, मान लीजिए आपने नॉलेज बहुत सारा ले लिया, आप नॉलेज रोज अपडेट तो करते ही जा रहे हैं, लेकिन जरा एटीट्यूड आपका अगर गड़बड़ है, निगेटिव है, तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एटीट्यूड मतलब जैसे आप रोज प्लान दिखा रहे हैं, रोज दो प्लान दिखाए, तीन प्लान दिखाए, चार प्लान दिखाए, पांच प्लान दिखाए, छह प्लान दिखाए, प्लान पे प्लान आप दिखाते जा रहे हैं और रोज निगेटिविटी आती जा रही है, कोई किसी दिन ज्वाइनिंग नहीं हुआ, चार प्लान दिखा लिए ज्वाइन नहीं हुआ, कल चार प्लान दिखाए ज्वाइन नहीं हुआ, अपडेट भी आप कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, धीरे 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 सीख रहे हैं, अगर जो आपकी एटीट्यूड निगेटिव होगा तो आप चार प्लान के बाद बैठ जाएंगे, छह प्लान के बाद बैठ जाएंगे, दस प्लान के बाद बैठ जाएंगे, 20 प्लान के बाद बैठ जाएंगे। तो हर पल हमको आपको अपना जो एटीट्यूड है पॉजिटिव रखना है, हर पल पॉजिटिव, 100% विश्वास कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नरसों नहीं तो बरसों, अपने ड्रीम को, अपने सपने को जीना ही जीना है। एक साल में हम रॉयल्टी अचीवर तो बनेंगे ही बनेंगे, दो साल तीन साल जाते जाते स्टार रूबी हर हाल में बनेंगे, और पांच साल में डायमंड तो बन के रहेंगे। क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्योंकि आज हम 10 लोगों को प्लानर बना चुके हैं, कल वो 10 लोग 100 लोगों को प्लानर बना देंगे, क्योंकि जो हमारा लीडरशिप का जो पहला लीडरशिप की पैनल है, 10 लोगों को अपने नीचे हमने प्लानर बना दिया है। और इस पूरे ब्रह्मांड का जो नेटवर्किंग का मूल मंत्र है कि आप अपने नीचे 10 लोगों को प्लानर आप बना दिया, उनको चला दिया, तो आपको डायमंड जाने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है।